क्वेश्चन नंबर 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी, एक टंकी दे रखी है आप, यह है बेलनाकार टंकी। इसमें देखो 10 मीटर तो व्यास है, व्यास दे रखा है आपके 10 मीटर, तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई है, 10 बटा 2 बराबर 5 मीटर व्यास है। गहरी मतलब की ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है आपके 2 मीटर। इसने कहा है कि एक बेलनाकार टंकी का, टंकी को आंतरिक व्यास वाले 20 सेमी एक पाइप से नहर दो। इसमें क्या करना है, इसको पाइप से जोड़ना है, किसको जोड़ना है, नहर से, यानी पूरा पानी कहाँ खाली करना है, बाहर खाली करना है, किसे करना है, नहर में। पानी कहाँ जाएगा आपकी, जैसे मान लो यहाँ आपकी नहर बनी हुई है जो भी है, तो क्या करना है, नहर में पानी डाल लो। तो लेकिन इससे खाली किस तरीके से हो रहा है, पहले खाली हो रहा था पूरा पूरा घना भी खाली हो रहा था, अब यहाँ पाइप से खाली हो रहा है, तो पानी जो भी जाएगा इस पाइप से जा रहा है। अब पाइप से जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपके 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी आ रहा है इसके अंदर और खाली हो रहा है बाहर। तो लेकिन रास्ता कौन सा है, यहाँ भी बेलन है और यहाँ भी क्या है आपके बेलन है, पहले पानी यहाँ था, अब पानी इस बेलन से हो सकता बाहर जाएगा। अब ये पाइप छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी पाइप हो सकता है, तो पाइप की हमें लंबाई नहीं देखनी, लेकिन हमें देखो याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले पानी इसमें था, फिर बाहर पानी किसमें आया है आपके इस बेलनाकार पाइप में आया है, ये भी बेलन है और ये भी बेलन ही है। तो स्पीड दे रखी है पानी बाहर आने, कितनी स्पीड दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 3 किलोमीटर तक का पानी, मतलब 3000 मीटर स्क्वायर तक पानी क्या आ सकता है आपके, बाहर आ सकता। यदि पाइप में और कितने समय बाहर टंकी खाली हुई, हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात, हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। समय का सूत्र क्या याद करेगा, दूरी बटा चाल, मतलब जो भी उत्तर आएगा इसका मतलब चाल हमें कहाँ काम लेनी है, सबसे आखिर में चाल हमें कहाँ काम लेनी है, क्योंकि चाल अगर हम हाथों काम ले लेंगे उत्तर तो वही आ जाएगा। हमें समय अगर निकालना है तो सूत्र है दूरी बटा चाल, मतलब ये दूरी, मतलब ये पाइप की लंबाई कितनी, ये पाइप की लंबाई हमें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अगर हमें पाइप की लंबाई हमने याद कर ली, लंबाई क्या कहलाएगी आपकी, ये दूरी कहलाएगी आप पाइप की लंबाई, मतलब माना कि हमने ऐसा मान लिया कि इसमें जो पानी था पूरा पूरा हम किस में ले रहे हैं, पाइप में ले रहे हैं, उस पाइप के लिए मान लो हमने बहुत बड़ा पाइप ले लिया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर लंबा पाइप ले लिया, वो पूरा पूरा पानी हमने इसमें डाल दिया, फिर इसमें खाली करेंगे ऐसा मानेंगे। तो पहले माना कि पानी इसमें था, फिर मानेंगे कि पानी पूरा पूरा किसमें था आपके, पाइप में था। इस पाइप का जो व्यास दे रखा है, इसका व्यास कितना दे रखा है आपके 20 सेमी, तो बताओ उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 बटा 2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ सब पूरा तरह दे रखा है मीटर में और यहाँ क्या है आपके सेंटीमीटर में, तो इसको भी किसमें बदल दो आप, सेंटीमीटर में बदल दो, मीटर मतलब तो एक मीटर में होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपकी त्रिज्या हो जाएगी 10 बटा 100 बराबर हो जाएगा 1/10 मीटर। पहला काम तो ये करेंगे, इसके अंदर जो भी पानी है पूरे पूरे किसमें ले लेंगे, एक पाइप में, चाहे कितना भी बड़ा एक पाइप ले लिया हमने, चाहे वो आपके 1 किलोमीटर लंबा पाइप है 10 किलोमीटर लंबा पाइप है, पूरा पूरा पानी इसमें डाल दो। कारण क्या है कि हमारा जो पानी बाहर निकालने का जो है वो तरीका खाली एक ही है, पहले नहर वाला था लेकिन नहर पूरी खुली हुई थी, तो इसलिए पूरे नहर से पानी आ रहा था, वहाँ पाइप नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ क्या लगा हुआ है आपके, पाइप लगा हुआ है, तो जाने का रास्ता कौन सा है, पाइप वाला। हम पहले ये पूरा पूरा पानी इसमें डाल दें, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का आयतन क्या होगा आपके बराबर, पहले पानी इसमें था फिर पानी इसमें डालना है, वो पाइप की जो लंबाई है वही क्या कहलाएगी आपके, दूरी कहलाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके बेलनाकार टंकी का आयतन, पहले क्या लिखेंगे, बेलनाकार टंकी का आयतन। ये कहलाएगा आपकी बेलनाकार पाइप का आयतन। सूत्र क्या हो गया, करेगा अलग आर अलग है, तो यहां भी आप क्या मानो, अलग आर मानो,
और यहाँ पर भी क्या होगी आपके अलग एच, ये पाई की लंबाई क्या करनी है हमें याद करनी है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पाई कैसे गदन। अब छोटा आर कितना है, पांच इंटू पांच इंटू दो, और बड़ा आर कितना है, एक बटा दस इंटू एक बटा दस इंटू एच, इधर आ जाएंगे एस का मान हो जाएगा पांच इंटू पांच इंटू दो, तो नीचे से ऊपर आ जाएंगे दस इंटू दस, तो ऊंचाई आ जाएगी आज पचों पच्चीस इंटू दो और दो जीरो का दो जीरो, 5000 मीटर ऊपर किलोमीटर है आपके, जो स्पीड दे रही नहीं है, जो भी चार हमारे पास क्या स्पीड है, ये तो ये स्पीड हमारे पास फाइव की 3 किलोमीटर, तो इसको भी क्या बदल दो, किलोमीटर में बदल दो, तो ये हो जाएगा आपके 5 किलोमीटर, क्योंकि 1000 मीटर में होते हैं आपके 1 किलोमीटर, 5 मीटर हो जाएगी 5 किलोमीटर। अब हमें ज्ञात करना है समय, समय का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है 5 किलोमीटर और चाल कितनी है 3, ये आ जाएगा आपके 1 पॉइंट, यानी तो 1/2 घंटे, ठीक हुआ। या आपकी तरीका और भी है आपके, 1 घंटे 1 घंटा और कितना 2/3 है 14, 2/3 को किस में बदल दो आप, मिनट बदलना, कितना गुणा करना पड़ेगा आपको 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होता है आपके 20 बार कितना हो गया 40 मिनट, ये लिखो तो भी राइट है, और 1 घंटे कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो ये हो गए और 40 ये हो गए, आप चाहो तो 100 मिनट भी लिख सकते हो या दोनों को अलग भी लिख सकते हो, 1 घंटा और 40 मिनट।